तो आप देखकर तो समझ ही गए होंगे। आज हम करेंगे होली स्टैश 2019। ये देखिए, ये दोनों मेरी पिचकारियां हैं। आज है छोटी होली और कल है बड़ी होली। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारी सबसे पहले आती है पिचकारी। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी पिचकारी। और ये इसकी ट्रिगर। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये प्रेशर वाली गन है। इसमें आप 2 लीटर तक वाटर स्टोर कर सकते हैं। और ये मुझे ओनली 390 रुपीज की पड़ी। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसे ऐसे लोड करके इसका ट्रिगर प्रेस करना होगा। फ्रेंड्स, मैंने इससे थोड़ी देर खेला था तो इसमें से अभी भी थोड़ा सा पानी निकल रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारे होली स्टैश का नेक्स्ट आइटम है वाटर बलून। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे सारे वाटर बलून। फ्रेंड्स, इसे तो आप जानते ही होंगे, ये मैजिक बलून है। इसके ऊपर एक नोजल लगाने से ये सारे के सारे फूल जाते हैं। जिस नोजल की मैं बात कर रहा था वो ये है। इसे हमें यहाँ पे फिट करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से फिट कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक पाइप लगाएंगे, तभी वो सारा फूल जाएगा। ऐसे मैंने 2 पीसेस लिए हैं। ये मुझे 60 रुपीज का पड़ा, 30 ईच। और ये कुछ पैकेट वाले बलून्स, ये मुझे 10 रुपीज के 2 पड़े हैं। मैंने ऐसे 5 लिए हैं। अब मैं इसे आपको खोल कर दिखाऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे होते हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है गुलाल की। मैंने 4 गुलाल लिए हैं। पिंक, येलो, ग्रीन और रेड। फ्रेंड्स, ये मुझे 10 रुपीज ईच पड़ा है। टोटल 40 रुपीज हो गए। मैंने और एक गुलाल खरीदा है, पर वो अलग कंपनी का। ये कॉक कंपनी का गुलाल है। इसे लोग मुर्गा छाप के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी नेट क्वांटिटी देखते हैं। इसमें है 80 ग्राम्स। आप देख सकते हैं इसमें 80 ग्राम्स है। अब हम इन चारों के भी वेट चेक करेंगे। फ्रेंड्स, इनमें तो हमें नेट क्वांटिटी देखने को मिलती है। ये देखिए, इसमें 100 ग्राम्स है। सब में 100 100 ग्राम्स है। बस फ्रेंड्स, हमें इसकी देखने को नहीं मिली।
आई थिंक ये भी 100 ग्राम्स का ही होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इनमें से जो सबसे आपको अच्छा लगा आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, इनमें से आपको सबसे अच्छा क्या लगा, पिचकारी लगी या गुलाल लगा या मैजिक बलून लगे। अभी मैं आपको उसकी टेस्टिंग भी दिखाता हूँ। चलिए ये है मेरी पिचकारी, मैंने इसमें वाटर फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे आपको शूट करके दिखाता हूँ। पहले हमें इसमें प्रेशर डालना होगा, मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, देखिए मैं शूट कर रहा हूँ। अब देखिए मैं उधर शूट कर रहा हूँ। इसकी लेजर बहुत स्ट्रांग है, मैं अपने हाथ पे कर रहा हूँ तो मुझे बहुत दर्द है। सो फ्रेंड्स, ये 370 में बहुत अच्छी पिचकारी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए भी दिया है ताकि आप ऐसे पकड़िए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको और एक पिचकारी दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मैं बेंटन वाली पिचकारी के बारे में बात कर रहा था वो ये वाली है। ये मुझे 120 रुपीस की पड़ी है। देखिए इधर क्या लिखा है, होली है भाई होली है, बुरा ना मानो होली है। देखिए मैं अब इसे सो फ्रेंड्स, क्या आपने देखा इसकी प्रेशर बहुत ज्यादा था। देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए दीवार पूरा गीला हो गया। सो फ्रेंड्स, अब मेरे पास है वाटर बलून। इनकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है। फ्रेंड्स, नॉर्मल बलून को थोड़ा सा भी ऐसे करो तो वो फट जाएंगे। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। देखिए मैं अभी उस वॉल पे मारू। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं, ये देखिए ये अभी तक नहीं फूटा। सोचिए इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब मैं इसे थोड़ा सा दम लगा के, तो आपने देखा पूरा एक सर्कल सा बन गया है वॉल पे। अब मैं उधर भी मारू। फ्रेंड्स, मजा आया ना।